हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आशा है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम पेंसिल शेडिंग से बर्ड्स स्टडी करेंगे। सो ओपन योर आर्ट बुक आकृति एट पेज नंबर 37, दैट इज बर्ड्स कंस्ट्रक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल से बर्ड का स्केच बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने एक ओवल शेप में हेड बनाया है और अब नीचे उसका बाकी का हिस्सा ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से आपको 3 से 4 पार्ट में उसकी टेल बनानी है और उसकी बीक बनानी है। अब हम उसकी आईज को ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम उसके विंग्स बना रहे हैं। देखिए उसी के साथ कॉर बर्ड हम बना रहे हैं। देखिए उसके विंग्स में जो डिज़ाइन है उसको भी हम स्केचिंग करेंगे। उसके आई बॉल बना रहे हैं। अब हम उसकी बीक बना रहे हैं। ये एक डव का जोड़ा है। जो ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ दिखा रहे हैं। ट्री की ब्रांचेस बना रहे हैं। इसके ऊपर लीव्स भी दिखानी है। जिस तरह से बुक के ऊपर फिगर दिया गया है वो बिल्कुल हमने हूबहू उसी की तरह से इसे बनाया है। अब हम जो रफ लाइंस पहले लगाई थी उसको हम शार्प कर रहे हैं और थोड़ी सी डिटेलिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हम उसकी डिटेलिंग करेंगे। पहले आपको रफ लाइंस ही लगानी है और वो भी बिल्कुल लाइट रखनी है। जब पूरा फिगर उसमें से हमें नज़र आने लगे तभी उसको शार्प करना है और उसको डार्क करना है। अब इसकी आउटलाइंस को हम डार्क कर रहे हैं। देखिए अब आपको क्लियर दिखने लगी है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर शेडिंग करते जाएंगे अब ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। अब हम 2B पेंसिल लेंगे और इसके ऊपर हम लाइट टोन बनाएंगे। ये देखिए लाइट टोन से हम इसके ऊपर शेडिंग कर रहे हैं। आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा है, हमने हैचिंग के तरीके से भी शेडिंग की थी, कुछ उसी तरह से हम इसमें भी शेडिंग करनी है।
फ़र्क इतना ही है कि उसमें हमने जेल पेन यूज़ किया था और यहाँ हम ग्राफिक पेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए जैसे उसके विंग्स के ऊपर जो टेक्सचर होता है, जैसा पैटर्न बना होता है, हम उसी तरह से इसको बना रहे हैं। अब हम इसके मिड टोन और डार्क टोन देने के लिए 4B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 4B पेंसिल 2B पेंसिल से ज़्यादा डार्क होती है और सॉफ्ट होती है। देखिए अब इससे हम इसमें डिटेलिंग कर रहे हैं और साथ ही इसका पैटर्न भी बना रहे हैं। मिड टोन देने के साथ साथ हम इसमें डार्क टोन भी देते जा रहे हैं। पहले आपको लाइट टोन देनी है, फिर मिड टोन देनी है, उसके बाद में आपको इसमें डार्क टोन देनी है। जैसे जैसे हम इसमें डिटेल दे रहे हैं और इस बर्ड में जान आने लगी है। ये देखिए एक बर्ड हमने तैयार कर ली है। अब दूसरी बर्ड को भी इसी तरह से हम शेडिंग करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर भी हमने इसके विंग्स के ऊपर पैटर्न बनाना शुरू किया है। ये डिटेल डालने से ये और भी बेहतर बनता जा रहा है। हमने सिर्फ स्केचिंग की तरह इसमें डिटेलिंग दी है। यदि आप इसको रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो पूरी डिटेलिंग के लिए बहुत समय लगता है। उससे ये बिल्कुल रियलिस्टिक नज़र आती है, लेकिन हम अभी सिर्फ इसकी स्केचिंग ही कर रहे हैं और उसके अनुसार ही इसमें लाइट एंड शेड दिखा रहे हैं। ये देखिए अब हम ब्रांचेस के ऊपर भी नीचे शेडिंग दे रहे हैं। नीचे नीचे जो डार्क एरिया है वो बताता है कि लाइट ऊपर आ रही है और शेड नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए लीव्स को भी हम एज इट इज़ उसी तरह से बना रहे हैं जैसा बुक में दिया गया है। देखिए नीचे का एरिया हम और भी ज़्यादा डार्क कर रहे हैं जिससे वो बिल्कुल सामने नज़र आए। ये देखिए हमने इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब आपने पेज नंबर 36 को भी हार्ड शीट के ऊपर बनाना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।